अस्सलामुअलैकुम भाइयों, मैं इस टाइम एलिमेंट्स रेजिडेंशिया के सामने खड़ा हूँ। इसका स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट्स की मदद से, उनकी फंडिंग से कंप्लीट हो चुका है। काफी लोगों को काफी इसमें फायदा भी हुआ है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में करने लगा हुआ एबटाबाद में एबट मॉल के नाम से, अब उसके बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे। भाइयों, मैं एबट मॉल की साइट के ऊपर हूँ, मेरे पीछे मेरा ऑफिस अभी बन रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि निश्री जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो लाजमी करनी होगी। सबसे पहले तो ये फ्रेम्स लगाते हैं मार्केटिंग के लिए। एक तो उससे लेआउट हो जाता है जगह का और ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आ जाती है काफ़ी सारी। अब अगर ये देखें तो हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रक्चरल प्लान, ये हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स, जेएलएम का प्रोजेक्ट है, लक्सौर एक प्रोजेक्ट है बैरियर टाउन में, अस्करी के प्रोजेक्ट्स हैं, इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स हैं, बैरियर टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हमने डिस्प्ले किए हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमने क्या क्या डिलीवर किया है। इसके बाद हमारा ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट है और इसके बाद हमारा ये कंटेनर है जो कि साइट के ऑफिस के लिए यूज़ होता है। ओवरऑल फिर मैनेजमेंट के ऑफिस के लिए हम ऑफिस बना रहे हैं जो बाद में हम तोड़ देंगे। बस ये प्लस्तर वगैरह हो रहा है, इसके कॉलम्स वगैरह देखें आप, ये भी मेसनरी से बने हुए हैं। ये हमारा लाउंज होगा, रिसेप्शन होगी, ये वॉशरूम होंगे, ये वेटिंग एरिया होगा और एक ही ऑफिस है और एक ही ऑफिस है। इस ऑफिस से अगर आप बाहर निकलें तो ये हमारा वाटर टैंक है और जो लेबर की अकोमोडेशन है, ये व्यू देखें, लेबर की अकोमोडेशन है वो यहाँ पे हो रही है और इसके साथ ही ये वॉशरूम्स हैं लेबर के, अमेजिंग से व्यू के अंदर। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने में एबट मॉल में, तो नाउ इज द राइट टाइम, क्योंकि इनिशियली रेट सबसे कम होते हैं, सब ज्यादा हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम।